आंध्र प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो एवरेज फीस है, चाहे वो आंध्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 12,50,000 के आसपास है। हॉस्टल फीस और प्लस यूनिवर्सिटीज फीस अगर आप उसमें मिला लेंगे देन ये पैकेज पर ईयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 13,50,000 के आसपास या फिर 14 लाख के आसपास आपका बनेगा 2022 में। 2021 में आंध्र प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, वहाँ पर टोटल 3 कैटेगरी की सीट होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, राइट। अब कैटेगरी ए की जो सीट है वो जितनी भी सीट्स होती है वहाँ पर आंध्रा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टेट कोटा के, वहाँ पर जिनका डोमिसाइल है या फिर वहाँ पर 85% स्टेट कोटा के लिए वो एलिजिबल है, वहाँ पर गवर्नमेंट की सीट यानी जो कैटेगरी ए की सीट है जहाँ पर फीस 60,000 के आसपास है, वहाँ पर उनका एडमिशन होता है कैटेगरी ए सीट्स में आंध्रा स्टेट के स्टूडेंट्स का। लेकिन जो कैटेगरी बी है वहाँ पर आंध्रा के स्टेट के स्टूडेंट्स का प्लस बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है यानी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और कैटेगरी सी वहाँ पर है, राइट। सो इन दो कैटेगरी में, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं है। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं आंध्रा के, अगर स्टेट के रहने वाले भी हैं उस केस में भी कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम कैटेगरी बी और सी सीट के लिए नहीं होता है। फीस नॉर्मली हाई होती है। क्या है फीस स्ट्रक्चर 2021 के हिसाब से? 2022 में जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा? 2021 में किस मार्क्स पर और किस रैंक पर लास्ट एडमिशन हुआ इन मेडिकल कॉलेजेस में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भी प्रिफर करते हैं आंध्रा में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फीस के मामले में कुछ राज्य के हिसाब से यहाँ पर फीस थोड़ी सी कम है लेकिन उतना ज़्यादा अंतर नहीं है जैसा कि केरला में होता है। सो 2021 में किस रैंक और मार्क्स पर एडमिशन हुआ, कॉलेज वाइज फी स्ट्रक्चर कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में, दोनों ही कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था आंध्रा के स्टेट के स्टूडेंट्स प्लस बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग प्लस नीट के रिजल्ट और एग्जामिनेशन को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग का ऐप। अगर आप किसी भी स्टेट की कट ऑफ की लिस्ट चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट पे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है मेडिकल विंग के ऐप पर। नीट 2022 के काउंसलिंग में अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं उस केस में भी आप डाउनलोड कीजिए मेडिकल विंग के ऐप। ऐप का नाम है मेडिकल विंग, नीट काउंसलिंग ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। बात हो रही है आंध्रा के मैनेजमेंट कोटा के कट ऑफ की और कॉलेज के फीस की, देन गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ की फीस कितनी है। अब मैनेजमेंट कोटा में दो कैटेगरीज आती हैं, राइट। और जो स्टेट का कोटा होता है गवर्नमेंट कोटा, वहाँ पर कैटेगरी ए सीट का एडमिशन होता है जिसकी फीस 60,000 है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, राइट। और कैटेगरी बी मैनेजमेंट कोटा और कैटेगरी सी में एमबीबीएस के लिए 12 लाख पर एनम, राइट, ये ट्यूशन फीस है। और यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सिटी फीस या बाकी फीस इसमें ऐड करेंगे मेडिकल के लिए 25,000 है। हॉस्टल की या लाइब्रेरी की जो एक्स्ट्रा फीस है वो इसमें ऐड हो जाती है, राइट। बीडीएस के लिए 4 लाख है मैनेजमेंट कोटा बी कैटेगरी, और सी कैटेगरी के लिए एमबीबीएस के लिए 36 लाख पर एनम है, एनआरआई कोटा है ये, राइट। और यहाँ पर एनआरआई की जो सीट होती है वो अगर मैनेजमेंट में आती है, अगर फिल नहीं होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, तो उस केस में कैटेगरी सी की सीट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 36 लाख पर ईयर आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। कट ऑफ यहाँ पर बहुत लो रहता है। बीडीएस के लिए 12 लाख पर एनम कैटेगरी सी की सीट की फीस है, राइट, अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं कैटेगरी सी के थ्रू। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि टोटल क्या जो कट ऑफ था 2021 में वो क्या था और 2022 में क्या एक्सपेक्टेड है, देन गाइस सबसे पहले हम लोग आंध्रा के जो मैनेजमेंट कोटा की कैटेगरी बी की सीट है उनमें क्या कट ऑफ था वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 291 मिनिमम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद ये लास्ट एडमिशन है। कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी बी या फिर कैटेगरी सी में नहीं होता, मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है। कैंडिडेट चाहे वो स्टेट का हो या फिर स्टेट के बाहर का हो उस केस में भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपका रैंक बेहतर है देन आपको एडमिशन मिलेगा, अगर नहीं है तो उस केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आंध्र प्रदेश में, राइट। जैसे कि यूपी में 100% सीट में कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं होता है। निमरा इंस्टीट्यूट में
314 लास्ट एडमिशन, विश्व भारती मेडिकल कॉलेज में 400 नंबर पे लास्ट एडमिशन, गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम में जो ये कॉलेज है यहाँ पर 402 मार्क्स पर, ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में 404, महाराजा इंस्टीट्यूट में 406 मार्क्स, शांतिराम मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 410 नंबर पे, एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विशाखापट्टनम लास्ट एडमिशन 411 नंबर पर, कोनेसीमा इंस्टीट्यूट 414 नंबर, कटोरी मेडिकल कॉलेज 426, जीएसएल मेडिकल कॉलेज 430 नंबर पर, पीईएस इंस्टीट्यूट 432, अपोलो इंस्टीट्यूट में 438 नंबर पर लास्ट एडमिशन, रैंक रिक्वायर्ड था 146,300, डॉक्टर पिन्नामेनाई सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट में 442 नंबर पर, अल्लूरी सीतारामा राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इल्लूरू में है यहाँ पर 457 लास्ट मार्क्स, रैंक रिक्वायर्ड था 1,26,118, नारायणा मेडिकल कॉलेज नेल्लूर का 464 पर, और एनआरआई मेडिकल कॉलेज जो कि चिन्नाककानी में है यहाँ पर एडमिशन 498 मार्क्स पर हुआ था। 2021 की ये जो लिस्ट है ये कैटेगरी बी की सीट्स के लिए है जहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, फीस 12 लाख प्लस जो हॉस्टल की फीस है और लाइब्रेरी फीस प्लस यूनिवर्सिटीज़ और एग्जामिनेशन फीस, राइट। सो मिला के टोटल अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 13.5 से 14 लाख के आसपास आ जाता है पर ईयर एक्सपेंसेस, राइट। अब हम कैटेगरी सी की अगर हम बात करें, कैटेगरी सी में गाइस जो मिनिमम एडमिशन हुआ था वो 108 नंबर पर हुआ था, राइट। यहाँ पर अब ये बात आती है कि 108 नंबर क्या ये क्वालिफाइड थे, गाइस ये एससी एसटी के कैंडिडेट्स थे और इनका हालांकि वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है, राइट। और ये जो फी स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा है, 36 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है, तो इस केस में यहां पर जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है कि डाउन जाएगा, राइट। और यहां पर जो हाईएस्ट एडमिशन हुआ था वो होता 196 पर, मतलब 196 मार्क्स लास्ट रिक्वायर्ड था वो डॉक्टर पिन्नामेनाई सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस गन्नावरम में है, यहां पर 196 चाहिए थे, बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें 196 से नीचे चाहिए थे, यानी अगर आप मेयर क्वालिफाइड भी अगर हैं और अगर आप 36 लाख पर ईयर एक्सपेंस कर सकते हैं ट्यूशन फीस के तौर पर एमबीबीएस के लिए, देन कैटेगरी सी में आंध्र प्रदेश में आपका एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश की जो स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म होता है उसमें फॉर्म आएगा नीट के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कब कौन सा फॉर्म आता है, कैसे अपडेट रहना है, काउंसलिंग में कॉलेज कैसे चूज करना है, कहां पर आपका एडमिशन बेस्ट रहेगा आपके मार्क्स और रैंक के हिसाब से, 2022 में अगर आप ये कंप्लीट हेल्प मेडिका विंग की टीम की ओर से चाहते हैं, डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। फ्री में कंटेंट की बात करते हैं, अगर हम मेडिका विंग के ऐप पर गाइस बहुत सारे कंटेंट फ्री हैं, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, आप वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें या फिर स्टडी मटेरियल की बात करें आप वहाँ से देख सकते हैं। कट ऑफ के जितने भी कोर्स हैं वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 100 फाइल्स फ्री हैं, ये फाइल्स आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि जब आप कंप्लीट एक्सेस चाहेंगे तो आपको थोड़ी सी नॉमिनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। सो बिल्कुल फ्री में जो कंटेंट चाहते हैं कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स, देन गाइस मेडिका विंग के ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, आपके किसी काम का नहीं होगा अगर आप फ्री में ही हर चीज़ चाहते हैं तो, राइट। बने रहिए मेडिका विंग के साथ, नेक्स्ट के वीडियोज़ में बाकी के स्टेट के बारे में अपडेट करेंगे, कितने मार्क्स और कितना रैंक आपको चाहिए 2022 में, फीस कितनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 2022 में, 50% स्टेट कोटा कब इम्प्लाई होगा प्राइवेट कॉलेजेस में जिसमें कि गवर्नमेंट के बराबर फीस होगी वो भी बताएंगे, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा नीट के बारे में कोई अपडेट आएगा तुरंत अपडेट करेगी मेडिका विंग की टीम। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग, कोई क्वेश्चन होता है कुछ पूछना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।